सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कपूर, देवभूमि हिमाचल यानी पहाड़ों में आपका स्वागतम है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली किसी एक वीडियो में बताया था कि इस घने देवदार के जंगल से होके हमें ऊपर से पानी की प्राकृतिक स्रोत आते हैं। तो ये सब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आके ये सारा स्टॉक होता है। ये सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी ऐसे ये बने हुए हैं, इसमें टैंक, इसमें सारा पानी स्टॉक हो जाता है जो कि हमारे इस छोटे शहर की प्यास को बुझाता है। तो अगर आपको मैं यहाँ से बताऊं तो यहाँ अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो एक बात बताऊं, मेरे को बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं जितनी भी बार कोशिश करता हूँ कि बर्फ़ यहाँ आपको बर्फ़ पर वीडियो दिखा सको। दोस्तों देखो, बर्फ़ थोड़ी पहले पड़ी थी, इसकी वजह से जाम हो गई है। और बर्फ़ दोस्तों मैं आपको बताऊँ इतनी ठंडी है कि मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे कांपने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा जो हमारे शहर के ऊपर का व्यू है वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे शहर के ऊपर एक गांव है और इसके आगे जो इसके आगे बिल्कुल आपको प्लेन जगह मिलेगी, उस साइड बहुत सारे गांव है, वो किसी दिन आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपको मैं बताता हूं कि अभी आपको मैं आज शहर का व्यू दिखाऊंगा अपने का। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां कितने ज़्यादा कांटे हैं, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों मैं अब आ पहुंचा हूं एक ऐसी जगह पे, थोड़ी वहाँ पे हाइट है, वहाँ से हमारा पूरा शहर दिखाई देता है। तो मैं आपको यहाँ से उसके कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ बर्फ़ है अभी तक, और परे सामने आप ये पूरा व्यू देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे एक इको गार्डन है, इसके भी कभी मैं आपको बना के बताऊंगा। तो यहाँ पे एक हमारी जो टूरिज्म होती है, तो उसकी एक बहुत यहाँ पे विशालकाय भवन बना हुआ है। यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते हैं, और हमारे जो ये यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ इनकी ट्रैकिंग करते हैं। तो एक परी साइड एक बहुत बड़े पहाड़ है। दोस्तों इस साइड तो जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस पहाड़ में तो बिल्कुल रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे एकदम सीधा है। तो इसमें मैंने कभी किसी को जाते हुए देखा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही घना है। दोस्तों दिन के अभी लगभग 2:30 बजे हुए हैं, तो धूप बहुत अच्छी खिली है। तो जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, तो आसमान में एक भी बादल का कहीं तिनका नहीं है। दोस्तों अब मैं आ पहुंचा हूं नीचे जहां पे बर्फ़ गिरी हुई है, तो मैं आपको थोड़ा बर्फ़ का व्यू दिखाता हूं। दोस्तों इस पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है, बिल्कुल पैर जमा के रखना पड़ते हैं, अगर इस पे पैर ना जमाएं तो हम गिर भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक मिनट के लिए इस बर्फ़ में बैठ जाता हूँ, जो कि मेरे को बहुत ही पसंद है। तो आप देख पा रहे होंगे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो दोस्तों अभी मैं तो दोस्तों आज मैंने आपको थोड़ा हमारे जंगल के जो बाहर शहर के सामने जो थोड़ी जगह है, वहाँ का व्यू और शहर का व्यू दिखाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों मैं हर बार कुछ ना कुछ आपको नया दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में और किसी नई ऐसी जगह पे जो आपके लिए रोचक हो, और ऐसे पहाड़ों का वहाँ पे थोड़ा माहौल हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल देवी।